टू ईच अदर, जब हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल होंगे, यानी कि हमने शो कर दिया दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेम वे में यहाँ इन ट्राइंगल्स को सिमिलरली करके लिखेंगे, वी विल नॉट शो इट अगेन। तो सेम वे में वी विल शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल द एंगल्स 90 डिग्री, डायगनल्स ऑलरेडी क्योंकि डायमीटर्स हैं तो इक्वल हैं, तो इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, अब जब हम गिवन लिख रहे हैं, गिवन में क्या है हमारे पास, डायगनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी कि सबसे पहले मुझे एक सर्कल गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और डायगनल्स गिवन है। तो फर्स्ट ले लिया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सेकेंड ले लिया मैंने डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, थर्ड हमने दोनों पॉइंट्स में बता दिया यहाँ पे डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, यहाँ पे इसके साथ ही लिख लो, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी क्योंकि डायमीटर जो है एक सर्कल के वो इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमने, दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। नाउ वी आर टू प्रूव अ प्रूफ, जब हम कर रहे हैं इसका तो हम लेके चलेंगे डी बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, therefore angle A equal to angle C equal to 90 degree, angles in semicircle, similarly angle B is equal to angle D equal to 90 degree, same reason है, angles in a semicircle। Now, अच्छा इसी को आप इस वे में भी कर सकते हो क्योंकि ओ जो डी है एंड ओ बी है, अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि ओ डी एंड ओ बी आर इक्वल एज दीज आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम वे में ओ ए इक्वल टू ओ सी, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इट मीन्स क्योंकि जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल है, इट मीन्स ओ जो है और इधर से ओ जो है बी डी को भी और ए सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि डायगनल्स जो है सर्कल के उसके क्वाड्रिलेटरल के दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। अब डायगनल्स क्योंकि इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल 90 डिग्री का है, तो इट मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, एंड इफ वन एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री तो इट इज अ रेक्टेंगल। तो जिस किसी वे में आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन डू इन दैट वे। कौन से मेथड से मैं करवाऊँ यू कैन टेल, कौन से मेथड से मैम करना पहले चाहोगे? पैरलोग्राम प्रूफ ओके ओके
अब हमें जो है, क्योंकि डायगनल्स पता है, डायमीटर्स जो है एक सर्कल के इक्वल होते हैं, तो इट मींस ए सी इक्वल टू बी डी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल्सो ओ ए। मैम हाँ जी, मैम, हमने इसमें सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। हम ये कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, तो ए बी सी और फिर ए बी सी एंड ए डी सी। ओके, इनको कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा बेटे? ओपोजिट मैम ट्रायंगल्स आप ले लोगे कि सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 90 डिग्री। यस मैम, हाँ, यू कैन डू, यू कैन डू। बट उसमें बच्चे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। हम पेपर में हमेशा कोशिश ये करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स हम कम यूज करके सेम चीज जो है वो प्रूव कर दें, ताकि हमें अपने बाकी पेपर के लिए टाइम मिल जाए। अदरवाइज दैट मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सो ऑल्सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो दिस इम्प्लाइज डायगनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। Now, if the diagonals bisect each other, then it is a parallelogram. यानी कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल ए इक्वल टू बी। एक एंगल भी आप लिख सकते हो इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें आप ये स्टेप ऑमिट कर सकते हो, फिर इस वाले मेथड के लिए ये स्टेप आप बीच में से छोड़ के एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री लिख के यहाँ पे विद एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सिंस वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। जी अदरवाइज जो मैंने आपको पहले करवाया, आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ए बी इक्वल टू सी डी कर दोगे कि ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड ओपोजिट साइड्स जो है पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स क्योंकि इक्वल आ गए, तो इट इज अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। या फिर आप डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि इफ डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपका जो है एंगल 90 डिग्री का गिवन था, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कोई डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अलग मेथड से है। आई होप ये नोट डाउन हो गया होगा आपका, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब हमें जो है प्रूव करना है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स एक ट्रेपीजियम की इक्वल होती हैं देन इट इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो ओपोजिट एंगल्स हैं उनका सम इक्वल टू 180 शो कर देंगे। अब ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम में वी नो वन पेयर ऑफ जो ओपोजिट साइड्स है दैट इज पैरेलल, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इसने हमें कहा दैट आर इक्वल। तो फिगर
ये मैंने ले लिया कि ट्रेपीजियम है मेरे पास, और आप चाहो तो ये वाली साइड थोड़ी और नीचे ले सकते हो, फिगर फिर बड़ी हो जाएगी तो आपको थिंग्स शो करनी जो है वो इजी हो जाती है। अब हमने लेना है, इसको नेम दे दिया ए बी सी एंड डी, तो मुझे शो करना है दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ट्रेपीजियम, या क्वाड्रिलेटरल भी हम कह सकते हैं। तो साइक्लिक शो करने के लिए वी विल शो इधर ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों में से एक चीज हम शो कर देंगे। अब जो हमें गिवन है उसमें क्या आ गया कि इसकी ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल सी डी, वन पेयर जो है पैरेलल साइड्स वाला आपका इक्वल हो गया। देन नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी, प्रूफ टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक। सो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दिस वी आर टू शो। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि ये हमें जो है साइक्लिक ट्रेपीजियम गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, सबसे पहले हम जो है यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर्स ले लिए ई एंड एफ। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये वाली जो दोनों ट्राइंगल्स हैं मेरी छोटी वाली, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे पास, क्योंकि एक तो मैंने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं तो ये एंगल राइट एंगल है, ए बी और सी डी मेरा पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज सेम। और थर्ड कंडीशन मुझे क्या गिवन है कि जो ए डी है दैट इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स मुझे इक्वल गिवन थी। तो एक राइट एंगल है, एक हाइपो है, एक साइड है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या आ जाएगा, मेरे दोनों ट्राइंगल्स आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, इसमें जब हम ये वाला ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी जो है ये इक्वल आ जाएंगे। पूरा ये एंगल सी और पूरा ये एंगल डी जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ए और बी हम ऑलरेडी इक्वल शो कर चुके हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ए को हम रिप्लेस करेंगे बी के साथ, डी को सी को हम रिप्लेस करेंगे डी के साथ, तो हमारा ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। सो आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स से इसके ये दोनों एंगल्स हम इक्वल शो कर देंगे। अब पूरा एंगल डी लेने के लिए हमें ये वाला 90 उसमें ऐड करना है, पूरा एंगल सी लेने के लिए इधर से भी 90 ऐड करना है। तो जब इनके, क्योंकि ये छोटे वाले पार्ट्स अगर इक्वल थे तो उसमें अगर इक्वल थिंग्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल वाला कंसेप्ट लगा, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ए और बी हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, वी विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड वी विल गेट आर रिजल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। हमने क्या किया है यहाँ पे, ड्रॉ डी ई जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन ए बी, एंड सी एफ भी परपेंडिकुलर जो है हमने ड्रॉ किया है ए बी पे। तो ड्रॉ करने हैं हमने परपेंडिकुलर्स। डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू
ए बी, डी ई और सी एफ हमने दोनों क्या किए, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है दैट इज इन दोनों ट्राइंगल्स को जो हमारी बन रही है, एक बन रही है ए डी ई, दूसरी बन रही है बी सी एफ, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। सो प्रूफ, इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल बी सी एफ, देखो मैंने ना इनके जो नेम्स लिए हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर में लिए हैं, क्योंकि एंगल डी जो है मैं वो सी के इक्वल शो करूंगी, मैंने ऑर्डर चेंज किया है तो ऑर्डर में लेने हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ए डी ई लूंगी मैं, तो ऑर्डर का ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी में या सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी आपकी 10th में आएगी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी, ई के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ। अब क्योंकि डी ई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स डी ई ए जो हमारा एंगल है ये दिस इज 90 डिग्री। सेम वे में जो आपका एंगल सी एफ बी है दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ से हम ले लेंगे इसमें फर्स्ट जो है 90 डिग्रीज के एंगल हम शो कर देते हैं। ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। सेकेंड हाइपो लिया हमने, ए डी इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन। एंड थर्ड डी ई इज इक्वल टू सी एफ, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल। सो दिस इज राइट एंगल हाइपो एंड वन साइड, सो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एफ, ए डी ई और बी सी एफ को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप सी पी सी टी से इनके जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो ले लेंगे बाय सी पी सी टी। एक हमें चाहिए दिस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और दूसरा मुझे चाहिए डी सी ए डी ई इज इक्वल टू बी सी एफ। मैं ऊपर से ही रेज कर रही हूं, और ये लास्ट स्टेप आई एम जस्ट राइटिंग अगेन। इसको इक्वेशन वन ले लो, ये मैं दोबारा लिख रही हूं, यू नीड नॉट राइट इट अगेन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये आए हैं हमारे पास एडिंग 90 डिग्री टू बोथ, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो हम खुद से क्या कर रहे हैं, दो चीजें हमें इक्वल गिवन थी उसमें हम इक्वल्स ऐड करेंगे तो होल्स विल अगेन बी इक्वल। सो एडिंग 90 डिग्री टू ईच ऑन बोथ साइड्स आल्सो यू कैन राइट डाउन, तो 90 प्लस एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल बी सी एफ। अब देखो ए डी ई मैंने ऐड किया इस वाले 90 में, तो मेरे पास एंगल आ गया ए डी सी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए डी सी से। सेम वे में ये मेरा बी सी एफ था, उसमें मैंने ये 90 ऐड किया, तो दिस हैज बिकम बी सी डी। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास कि एंगल डी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल सी, इसको मैं ले लूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है एंड वी विल गेट आर आंसर। सो यहां तक अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम इरेजिंग। यहां तक कोई भी डाउट हो इक्वेशन 1 कैसे बनी या 2 कैसे बनी, तो यू कैन आस्क। ओके थैंक यू। सो द नेक्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे,
यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी, ट्रेपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. अब मुझे जो प्रूफ करना था दैट वाज बी के अपोजिट मेरा एंगल डी था और ए के अपोजिट मेरा एंगल सी था. तो दोनों में से जो है इंस्टेड ऑफ प्रूविंग बोथ ऑफ दीज यू कैन यूज वन ऑल्सो, दोनों में से किसी एक को भी आप लिख के प्रूव कर सकते हो. सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, बी के साथ मुझे डी लेना है यानी कि ए को आई विल रिप्लेस विद बी एंड बी बी के साथ मुझे डी लेना है तो सी को आई विल रिप्लेस विद डी, क्योंकि मुझे बी प्लस डी को शो करना है तो मैंने सारे एंगल्स बी और डी से रिप्लेस कर दिए. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी 180 360, टू कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड करेगा एंड यू विल गेट योर आंसर. एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 ये हमने शो करना था. ए प्लस सी के लिए सिमिलरली सारे स्टेप्स दोबारा नहीं करने, सेम हमने प्रोसीड किया. अब उस केस में हमने बी को ए से रिप्लेस किया, डी को सी से रिप्लेस किया, तो वी विल गेट ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ ABCD is cyclic. Yeah, is a cyclic trapezium. So, ये हमें शो करना था. तो लास्ट स्टेप में वी हैव अप्लाइड द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी जो है क्या कहती है कि जितने भी उसमें एंगल्स गिवन हैं, उन सबका जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो जब ये सारे इक्वल टू 180 डिग्री हैं, ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है इक्वल हमने शो कर दिया उनको लेके कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर दिस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. बेटे म्यूट योर सेल्फ ध्रुव. आयान यू ऑल्सो म्यूट योर सेल्फ बेटे. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आई गेस कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज वी आर हैविंग 7 मिनट्स ओनली. तो आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. 9 हम कल डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. हमें उसने क्या कहा, दो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए बाय टेकिंग द टू साइड्स ऑफ द ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल एज डायमीटर्स. यानी कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो मुझे एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स पे हमने क्या किया, सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए. तो हमें ये शो करना है दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं दैट लाई ऑन द थर्ड साइड पे वो लाई कर रहे हैं. तो ट्राइंगल जो है वो हम ले लेंगे एबीसी and this point is O. तो हमें ये शो करना है that जो हमारा O है that lies on BC. AB और AC diameters हो गए. ये triangle है
मैं थोड़ी सी थिक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको फिगर क्लियर हो जाए, बट यू नीड नॉट डू दिस. एंड आई हैव टू शो दैट दिस ओ लाइज ऑन बी सी. ए बी डायमीटर गिवन है, ए सी डायमीटर गिवन है, तो सिंपल सा कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं. इसको ज्वाइन कर दोगे. अब जो आपका बड़े वाला सर्कल बन रहा है उसको अगर देखो, तो एंड ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों को ज्वाइन किया, ओ पे मीट कर रहे हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो ये एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. सेम वे में जब आप छोटे वाले सर्कल को लोगे तो ये पॉइंट और इस तरीके से ये पॉइंट आपका जो है, दे आर अगेन मीटिंग एट दिस पॉइंट ओ, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. अब 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो जब आप एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी को ऐड करोगे, दैट विल गिव यू द सम एज 180 डिग्री. यानी कि जो आपका वो एंगल है दैट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो बी ओ सी आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई. यानी कि जो पॉइंट आपका ओ है दैट लाइज ऑन द सर्कल. सो इसमें गिवन लिख लो, हमें क्या क्या गिवन है. वी आर गिवन टू सर्कल्स, या पहले आप ट्राइंगल भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी. टू सर्कल्स विद डायमीटर्स ए बी एंड ए सी टू प्रूव ओ लाइज ऑन बी सी. कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ज्वाइन किया हमने ए और डी को. ए और डी को हमने ज्वाइन कर लिया. अब यहाँ पे आप लोगे प्रूफ. सिंस ए बी इज अ डायमीटर, therefore angle AOB is 90 degree. equation 1 ले लो. similarly angle AOC is 90 degree. angles in semicircle, इसको ले लो equation number 2. अब हम करेंगे एडिंग 1 एंड 2. तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में, राइट हैंड साइड राइट में ऐड करोगे, तो ए ओ बी प्लस ए ओ सी इज 90 प्लस 90. अब ए ओ बी एंड ए ओ सी दैट इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. तो ये एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, यानी कि बी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन. अब बी ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स ओ लाइज ऑन बी सी. हम बीओसी कैसे स्ट्रेट लाइन है? बच्चे एंगल जो है वो 180 डिग्री का मीन्स दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. हमने यहाँ पे शो कर दिया ए ओ बी प्लस बी ओ सी 90 प्लस 90, यानी कि 180 है. ए ओ बी और ए ओ सी को जब आप ऐड करोगे तो दैट इज दिस एंगल बी ओ सी. तो बी ओ सी एंगल आपका 180 डिग्री, मतलब अगर 180 डिग्री का कोई एंगल होता है इट मीन्स दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो बी ओ सी स्ट्रेट लाइन हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ है दैट लाइज ऑन बी सी. लास्ट में आप हैंस प्रूव्ड जरूर लिखोगे. सो विद दिस आर क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर. सो अब हमारे क्वेश्चंस रह गए क्वेश्चन नंबर 8, 11 एंड 12. सो दैट वी विल डू टुमारो. As the time is over, if in today's questions you are having any doubt,
So you can ask question number 8 and 10. Both of these you are to do as your homework parts. Question number 8 as well as question number 10. 9, 11, 12 we will do tomorrow. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. Those who are having the doubts, they can stay and ask their doubts. So, okay, fine then. Thank you. Have a nice day.